शाह साहब ना पहले इससे उन्होंने कोई इनकार किया है ना आज कर रहे हैं, बल्कि फिर कह रहे हैं कि कागजात उन्होंने ही साइन किए, हम मजाज नहीं हैं कागजात स्टैम्प करने के लिए। और हमने फवाद चौधरी साहब के केस में भी हमने नोटरी को, ओथ कमिश्नर को बाहर से बुलाया है, आप अदालत से इजाज़त लें, ओथ कमिश्नर को, नोटरी को आप जेल में ले के आएँ और उसके सामने कागजात साइन कराए जाएँ। वो बहुत डिसअपॉइंटेड हैं लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के फैसले के साथ, जिसके तहत उनको मुल्तान से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिली है। उनका बयान कलम बंद कराया गया है, किसी गवाह के ऊपर अभी जिरह नहीं हुई है। अगली तारीख जो है इस केस में वो 22 तारीख है और 22 को भी मज़ीद गवाह के बयान कलम बंद कराए जाएंगे, जिरह नहीं होगी, जिरह अगले बुध से होगी। इसके अलावा मैं ये बात करना चाहूँगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज हमें, अपने वकला को और अपनी मिसेस को ये पैगाम दिया है मीडिया के लिए, आवाम के लिए, कि वो बहुत डिसअपॉइंटेड हैं लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के फैसले के साथ, जिसके तहत उनको मुल्तान से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिली है। जो अभी तक हमें इस बात पता चली है, क्योंकि मुफसिल फैसला जो है, रिटन ऑर्डर अभी तक हमारे पास नहीं है, तो जो के मालूमात हमें पता चली हैं, जो इल्ज़ाम थे, जो एलिगेशंस थी, उसमें एक चीज़ इशू ये आ रहा है कि उनके साइन वेरीफाई नहीं हो पा रहे थे। शायद ये बात की जा रही है कि उनकी अदालत में जेल के अंदर मौजूदगी में जो अगर सिग्नेचर हुए हैं तो उस पर जेल अथॉरिटीज़ की स्टैम्प नहीं है। तो उस पर ये बात वाजे करना बहुत लाजिम है कि जब ये बात हुई थी, जब कागजात साइन होने की बारी थी, तो बारह हमने जेल अथॉरिटीज़ को, शाह महमूद साहब ने भी, मैंने भी, सैयद अली बुखारी साहब ने भी ये बात की जेल अथॉरिटीज़ को कि आप कागजात को स्टैम्प करें। जेल अथॉरिटीज़ ने ये कहा था कि हम मजाज नहीं हैं कागजात स्टैम्प करने के लिए। और हमने फवाद चौधरी साहब के केस में भी हमने नोटरी को, ओथ कमिश्नर को बाहर से बुलाया है, आप अदालत से इजाज़त लें, ओथ कमिश्नर को, नोटरी को आप जेल में ले के आएँ और उसके सामने कागजात साइन कराए जाएँ। हमने बिल्कुल वही किया, अदालत से, अदालत में दरख्वास्त दी, अदालत ने उसकी इजाज़त दी। हमारे साथ ओथ कमिश्नर, नोटरी जो हैं वो अडियाला जेल के अंदर अदालत में मौजूद थे और जो जेल अथॉरिटीज़ थी, और हमारे सामने शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो अपने एक वकील महर ज़मीर हुसैन को मुल्तान से, उनको जो अटर्नी को अथॉरिटी दी और जो उन्होंने बाकी कागजात साइन किए, वो हम सब के सामने हुए थे। तो इससे शाह साहब ना पहले इससे उन्होंने कोई इनकार किया है ना आज कर रहे हैं, बल्कि फिर कह रहे हैं कि कागजात उन्होंने ही साइन किए, उन्होंने ही अथॉरिटी दी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसी वक़्त सिंध के लिए भी अथॉरिटीज़ दी और सिंध के हलका 214 थरपारकर से तो वो इंतखाबी निशान मोर के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन मुल्तान के अपने दो हलकों NA 150 और 151 से उनको इलेक्शन से बाहर रखा जा रहा है। अब उस सिचुएशन के अंदर उनके एक हलके के ऊपर उनके बेटे मखदूम जैन हुसैन कुरैशी इलेक्शन लड़ेंगे और एक हलके पे उनकी बेटी मेहरबानो कुरैशी इलेक्शन लड़ेंगी। थैंक यू जी।